हेलो दोस्तों, मैं कुक विथ मीना मैं बनाने जा रही हूँ आज चाप की रेसिपी, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल। तो चले बनाने के लिए। हमने यहाँ पर इस तरीके से पतले पतले स्लाइस में कटे हुए प्याज ले लिए हैं, इसे हम फ्राई करेंगे। अब हम पैन में 3-4 चम्मच टेबल स्पून तेल डाल देंगे। मीडियम आंच में पहले गर्म कर लेना है उसे, उसके बाद फिर लो फ्लेम में प्याज को भूनना है। तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम 5 काजू डाल देंगे। इसे हम गोल्डन कलर का होने तक फिर इसे भून के निकाल लेंगे। काजू को हम निकाल लेंगे। अब हम इसमें जो पतली स्लाइस में कटी हुई प्याज थी उसे डालकर भूनेंगे। प्याज का कलर चेंज होने लगा है, अब हम फ्लेम को लो में कर लेंगे। प्याज को एक प्लेट में तेल से निकाल लेंगे। प्याज जब ठंडा हो जाएगा फिर इसे हम पीस लेंगे। अब हम चाप को काट लेते हैं। यहाँ पे हमने 250 ग्राम चाप ले लिया है, इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। चाप का हमें स्टिक को निकाल लेना है, इस तरीके से धीरे धीरे से करके इसमें प्रेस देंगे और फिर इसे हम धीरे से इस तरह से निकाल लेंगे। ये आराम से निकल जाती है। हमने इस तरीके से स्टिक को निकाल लिया है। अब हम चाप को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इसे अब हम फ्राई कर लेंगे। अब हम चाप को उसी तेल में फ्राई कर लेते हैं। चाप को हम इस तरीके से तेल में फैला देंगे। इसी तरह सारे चाप को हम इसी में डाल लेंगे और इसे हम तेल में फ्राई करेंगे। इसे हम चलाते रहेंगे ताकि ये जले नहीं। चाप में हल्का कलर चेंज आ जाए उसके बाद हम इसे निकाल लें। होने लगा है, चाप में कलर चेंज होने लगा है, इसे हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। चाप फ्राई हो चुकी है, इसे अब हम एक प्लेट निकाल लेते हैं और फ्लेम को बंद कर देंगे। चाप को हम मैरिनेट कर लेते हैं, उसके लिए हमने यहाँ पे 2 टेबल स्पून दही ले लिया है। इस तरह से हम दही को डाल देंगे। इसी के ऊपर हम 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च ले यहाँ पे लेंगे। हम हम 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ले लेंगे। 1 टेबल स्पून सरसों तेल ले लेंगे और यहाँ पर हम टेस्ट अकॉर्डिंग नमक ले लेंगे और इसे अब हम मिला लेंगे। इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। अब हम जो प्याज भुने थे और काजू उसे हम पीस लेते हैं। यहाँ पे हमने मिक्सर जार ले लिया है, इसी में हम भुना हुआ प्याज डालेंगे और इसी में हम काजू को डाल देंगे और इसे हम पीसेंगे। इसमें हम 2-3 टेबल स्पून पानी डाल देंगे। अब इसे हम पीस लेंगे। तेल गर्म हो चुका है, इसमें अब हम दो इलायची, 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे। इसी में हम 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और 1 टुकड़ा तेजपत्ता डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से चलाएंगे। सारे खड़े मसाले भून चुके हैं, अब हम इसमें कटा हुआ 2 प्याज डाल देंगे। इसे भी हम ब्राउन होने तक भूनेंगे। हम दरदरा पिसा हुआ टमाटर डाल देंगे।
और इसे भी मिला लेंगे। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे ताकि प्याज टमाटर जल्दी से गल जाए। इसे अब हम मिला लेंगे। इसे हम एक दो मिनट के लिए भूनेंगे, उसके बाद सारे मसाले डालेंगे। इसमें हम एक छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे, एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 3 पिंच हल्दी पाउडर डाल देंगे क्योंकि पहले से ही डाला हुआ है, एक छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च डालेंगे, इससे कलर अच्छा आता है। अब हम इसे मिला लेंगे। अब हम इसमें चाप को डाल देंगे और इसे भी मसालों के साथ भूनेंगे, इस तरह से पका लेंगे। यहाँ पे कटी हुई हरी मिर्च ले लिया है, इसे भी डाल देंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे, एक छोटा कटोरी पानी डालेंगे क्योंकि हम चाप करी बना रहे हैं, और इसे इस तरीके से मिला लेंगे। इसमें हम कसूरी मेथी डाल देंगे थोड़ा सा, इससे खुशबू अच्छी आएगी। इसे अब हम एक दो मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। इसमें हम भुना हुआ पेस्ट डालेंगे जिसे हमने पीसा था, इसे भी हम मिला लेंगे। हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे। हम 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। अब हम चाप को चेक कर लेते हैं। हमारा चाप बनके तैयार हो चुका है। इसे अब हम धनिया पत्ता से गार्निश करेंगे। चाप बनके तैयार हो गया है। इसे आप रोटी, चावल, पराठा, नान किसी के भी साथ खा सकते हैं।